नमस्ते, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज मैं हूँ एक ऐसे स्थान पर जो कि जैसलमेर से 17 किलोमीटर आगे है, आकल वुड फॉसिल पार्क। आपने सुना होगा, बहुत ही प्राचीन जीवाश्म। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया, आप देख लेना यूट्यूब पे मेरे। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके बैठने का स्थान है यहाँ पर, यहाँ स्थानीय भाषा में उसको चारा बोलते हैं। लेकिन इसकी डिज़ाइन माइंड ब्लोइंग, आपको देखकर ऐसे लगेगा कि यार क्या बनाया है उसको। नागौर के कुछ कारीगर है, वो इसको बनाते हैं। बहुत से लोग इस डिज़ाइन को पूछने आते हैं इसके बारे में, और घरों में भी यहाँ पर स्थानीय लोग बनाते हैं। ये पीछे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर दो ऐसे चारे बने हुए हैं जिसको, जो रहने का स्थान है। टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। बहुत ही अच्छा इलाका है ये, और बरसात के समय में तो बहुत ही अच्छा इलाका रहता है। यहाँ पर नज़ारा बहुत ही सुंदर रहता है। अभी बरसात हुई है थोड़ी देर पहले, और मेरा ये सौभाग्य कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को तक ये पहुँचेगा। तो ये आप वीडियो के माध्यम से ही देख सकते हैं कितना हरा भरा इलाका है। बहुत ही हरा भरा है ये, पहाड़ी इलाका है कुछ। और दो तीन तालाब भी बने हुए यहाँ पर, और छोटे छोटे नाले भी बने हुए हैं। और जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यार इतना सुंदर स्थान है। आदमी यहाँ पर आकर बैठे, 5-स्टार होटल में अगर ये ऐसा रूम बना हुआ होता, ऐसा ये बना होता, तो उसके लाखों रुपए भी लूट लेते आपते। ये लेकिन ये यहाँ पर DNP में बना हुआ, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते। अंदर ये टिकट लेते हैं उसकी, वाहन की 10 रुपये और 5 रुपये आपकी टिकट देखने की। ये पीछे वुड फॉसिल पार्क है, ये इधर एक तालाब बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये, वो आप जूम करके दिखाऊँ, ये चारा बना हुआ है, ये फॉसिल पार्क है। और ये कुछ जो टिन साइड लगे हुए, ये है इलाका। और ये बहुत ही हरा भरा है। अभी नदियाँ वगैरह यहाँ पर बहती है, नाले वगैरह भी बहते हैं। इधर ये बाड़मेर रोड जाती है। और जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है, इसको चारा बोलते हैं। ऊपर ये इसके ऐसा बना हुआ, और ये इसके चढ़ने का स्थान है। बहुत ही ये ऊँचाई पर बना हुआ है, आप देखेंगे नीचे ये ऐसे, तो ऊँचाई पर बना हुआ तो इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, और अंदर से इसकी कलाकृति बहुत ही ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं। ये आपको इसको देखकर ही पता चलता होगा कि कितना सुंदर बना हुआ है। ये इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। ये आवाज़ ही कुछ इस तरह से आ रही। ये बैठने का स्थान है, और ये तालाब है इस तरफ, और ये इस तरफ कुछ खेत वगैरह, और ये साइड में इसके एक रेलिंग की हुई है, और ये भी बैठने का स्थान है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और इस अच्छे से मौसम का नज़ारा ले सकते हैं। ये कुछ जो घास है उसका ही बना हुआ है, इस प्रकार की ये घास है, आप देखेंगे इसको, और ऐसे बांध के बना हुआ है। और बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त जिसको कहते हैं, हम सोच नहीं सकते कि यार ऐसा भी बन सकता है, लेकिन होता है, बना हुआ ये। और आपको तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ये अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे मेरे आपको देखने को मिलती हैं। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये अगर आपको स्थान अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नए नए स्थान जैसलमेर के मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे, और आप खुश रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम, गुड लक, लव यू। चलते हैं, मिलते हैं किसी नए एक वीडियो में। तब तक के लिए इस चारे को आप लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।